फैमिली यहाँ पे बहुत कमी है, यहाँ पे कपल्स लोग ही ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा के रखते हैं। काफ़ी सारे फैमिली जो है वो आए हुए हैं। ये इस हिल का जो है वो टॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक डांस भी आया हुआ है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। वी विल स्टार्ट ब्लॉग विद समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल। तो गाइस, अगर आप धनबाद या धनबाद के अगल बगल से बिलोंग करते हो और नए साल में चाहते हो कि थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा चिल आउट करे, तो आज जो जगह मैं रिवील कर रहा हूँ बिरसा मुंडा पार्क, वो प्लेस आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होने वाला है धनबाद में। तो चलो देखते हैं अंदर और क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे, आप कैसे आ सकते हो। ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली गाइज, अगर इस पार्क में आपको एंट्री चाहिए तो उसके लिए टिकट कटवाना पड़ेगा और उसका टिकट का चार्जेस है पर पर्सन 25 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसका टिकट है इस पार्क का, और हम लोग दो जन हैं तो यहाँ पे मेरे को 50 रुपये का गच्छा पड़ा। तो चलो 50 रुपये खर्च किया है तो घूमते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं। ये बिरसा मुंडा पार्क का एंट्री गेट है। जैसे ही आप एंट्री करोगे कुछ इस तरीके का अंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बिरसा मुंडा एक्सप्रेस लिखा हुआ है धनबाद, जो कि एक टॉय ट्रेन टाइप में है। ट्रेन का 20 रुपीज़ करके चार्जेस है, इसका आप राइड ले सकते हो, और काफ़ी प्यारा सा सुंदर सा ये देखने में लग रहा है। गाइस, बिरसा मुंडा पार्क धनबाद सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके साथ साथ जनवरी के महीने में यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं चिल आउट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट बोल के ऐसा कोई जगह नहीं है, ये पार्क ही बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और आप फूड अपने घर से कैरी करके लेके आ सकते हो या खरीद के लेके आ सकते हो, यहाँ पे बैठ के अपने फैमिली के साथ में इंजॉय कर सकते हो। बेसिकली गाइज, आप इस पार्क में देख सकते हो काफ़ी सारे फैमिली जो है वो आए हुए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, अपने घर से जो है खाना कैरी करके लेके आए हुए हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे फैमिली बैठा हुआ है। ये एक छोटा सा ग्राउंड इस साइड में है और एक छोटा सा ग्राउंड उस साइड में है, बाकी पार्क तो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। उस साइड में मेला लगा हुआ है, उधर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। दोस्तों, अगर आप लोग हॉर्स राइड करना चाहते हो तो यहाँ पे हॉर्स राइड भी होता है, और जिसका फेयर कितना लगेगा भैया हॉर्स राइड करने में? 50 रुपया। 50 रुपये में कितना देर तक करवाएंगे? 3 राउंड। 3 राउंड, तो 50 रुपये में आपको 3 राउंड करवाया जाएगा। और इसका नाम क्या है, क्या रखे है नाम इसका? ज्योति। लड़की है? ज्योति। तो भाई साहब देखो, ज्योति का राइड अगर करना है तो आप कर सकते हो शौक से। बाकी ये बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे को तो डर भी लग रहा है, ये व्हाइट सा है, मारेगा नहीं ना? नहीं। चलो चलो चलो, वाह बहुत प्यारा सा, एकदम व्हाइट है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप धनबाद जंक्शन में उतर सकते हो। धनबाद जंक्शन में उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लेकर के आप बिरसा मुंडा पार्क आ सकते हो, लेकिन आपको रिजर्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है वो ऑटो नहीं आती। और अगर आप डायरेक्ट नहीं आना चाहते हो, मतलब रिजर्व करके नहीं आना चाहते हो क्योंकि ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उसके बारे में मेरा फ्रेंड बताएगा जो कि धनबाद से ही बिलोंग करता है। तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आना है, ऑटो तोड़ तोड़ के आना है, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा आपका बेकार बांध। बेकार बांध वहाँ पे एक तालाब है। बेकार बांध एक चौक है। हाँ, चौक भी बोल सकते हैं, वहाँ पे बड़ा सा तालाब भी है। अच्छा, तालाब भी है। बेकार बांध के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ से आपको ऑटो चेंज करना पड़ेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बिरसा मुंडा पार्क के लिए ऑटो आप ले सकते हो। वहाँ से किराया की बात की जाए तो आपसे 20 से 30 रुपये में जो है ना, आप यहाँ पे बिरसा मुंडा पार्क का पहुँच जाओगे। यहाँ पे लगा हुआ है फिलहाल अभी मेला, तो मैं भी लेने वाला हूँ मेले के मज़े और आपको भी दिलाने वाला हूँ मेले के मज़े। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। बिरसा मुंडा पार्क में ये जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, हालांकि मैं धीरे धीरे करके सब कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मेला जो है वो सुबह 10 बजे खुल जाती है और शाम को 6 बजे तक ही रहती है। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्राउड नहीं रहता। मैंने यहाँ पे बहुत सारे दुकानदारों से भी बात किया, यहाँ पे हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, और नए साल में कुछ ज़्यादा ही क्राउड रहता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक डांस भी आया हुआ है, और इसका टिकट जो है
वो मात्र 50 रुपये है। तो 50 रुपये में आप ब्रेक डांस का मजा ले सकते हो। ये जो आप बिजली चरखी देख रहे हो, इसका भी रेट जो है वो 50 रुपीज़ है और इसका जो है वो 40 रुपीज़ है। बड़ा शानदार सा ये मेला लगा हुआ है, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ पे आप देखो, बच्चे तो बच्चे, यहाँ पे बड़े भी जो है जंपिंग जपा का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, बच्चे लोगों के लिए बोटिंग का भी। इस पार्क का खासियत यह है कि बहुत सारे गानों का शूटिंग इस पार्क में हो चुका है और यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई सॉन्ग का शूटिंग जो है वो होते रहता है। देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी पिकनिक कर रहे हैं और ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पार्क में बैठ के ही खाना पीना करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो, इस जगह पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं। भाई साहब, अगर इस मेला में घूमते घूमते आप लोग थक चुके हैं और अगर आप लोगों को खाना पीना खाना है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हैं, फुचका वगैरह है और भी बहुत सारे आइटम यहाँ पे मिलते हैं खाने पीने के। भैया क्या क्या मिलेगा आपके दुकान में? छोला भटूरा, चाउमीन रोल, बर्गर। चाउमीन 30 रुपये हाफ। ये क्या बना रहे हैं? सैंडविच। बर्गर। बर्गर कैसे दे रहे हैं? 30 रुपये। इस पार्क के अंदर एक और पार्क है जो कि फ्लावर पार्क है। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, फ्लावर पार्क, ढेर सारे अंदर में फ्लावर लगे हुए हैं, गुलाब वगैरह लगे हुए हैं, गेंदा फूल का यहाँ पे पौधा है। और इसमें एंट्री करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये आपको लगते हैं। लिमिटेशन कोई नहीं है, टाइम पीरियड कोई नहीं है कि 10 रुपये दो, आप एक घंटा या आधा घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट का 10 रुपये लगेगा, आप चाहे जितने देर भी घूम सकते हो जब तक पार्क खुला हुआ है। बिरसा मुंडा पार्क में एक छोटा सा हिल भी है और उसका टॉप पॉइंट ये रहा जो आप देख रहे हो, और यहाँ से लगभग लगभग ये पार्क का पूरा नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। तो चलो एक बार चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कितना दूर का नज़ारा हम लोग इस हिल से ले सकते हैं। ये इस हिल का जो है वो टॉप है और मैं अभी टॉप पे पहुँच चुका हूँ। फिलहाल मेरे लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे मैं अधिकतर कपल्स लोगों को देख रहा हूँ, मतलब फैमिली यहाँ पे बहुत कमी है, यहाँ पे कपल्स लोग ही ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा के रखते हैं। फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, आके यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, आफ्टर ऑल यहाँ का क्या नेचर वगैरह है, सारे के सारे चीज़ को मैंने इस ब्लॉग में जो है कवर किया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इफ़ यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग देन मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।